अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, देसी किचन विद तनु एंड मनु के वीडियो में फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा और कमेंट किए तो हमें बहुत अच्छा लगा और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए और हम लोग अपनी रेसिपी आपको दिखाते रहेंगे। तो रेसिपी में हम लोग आज लेकर आए हैं रोहू मछली का कोरमा और भिंडी का मसाला। तो फिर चलिए तैयारी करते हैं। तो एक 1.5 केजी का रोहू मछली है, इसको अच्छे से साफ करके कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, भाभी जब तक को मछली बना रही है तो हम लोग भिंडी का प्रोसेस चालू कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर भिंडी को कट लेंगे। तो भिंडी को कटने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ भिंडी का अगला और पिछला को अच्छी तरीके से काट लेना है। और देखिए, यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख लेना कि कोई कीड़ा है या नहीं। और हम लोग भिंडी को अक्खा ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे भिंडी को अच्छी तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड, हमने भिंडी को काट चुके हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट के लिए हमने यहाँ पर लिया है, देखिए, हम लोग इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक, और एंड में जाएगा हमारा इमली का पानी। और अभी फ़िलहाल हम लोग इसको पीस लेंगे। इसमें है अदरक, प्याज और लहसुन, और रोहू मछली के लिए भी हम लोग अदरक को पीस लेंगे। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन लिया है। तो भिंडी मसाले के लिए इसको पेस्ट कर लेंगे। तनु वहाँ पर मसाला पीस रही है, हम मछली को अच्छे से तब तक धो लेंगे। रोहू मछली के लिए हम लोग अदरक पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, यह 8 पीस मछली है, हम इसको अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अभी आप मैरिनेट करो, तब तक तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ। मैरिनेट करने के लिए हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हल्दी पाउडर 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर 2 चम्मच, अदरक 2 चम्मच, अदरक का पेस्ट है, और प्याज 2 अक्खा प्याज ली थी मैंने, 2 अक्खा प्याज का ये जूस है। और ये खट्टे दही नहीं है, ये नॉर्मल दही है, इसको हम अच्छे से फेंट लिया है। और फ्रेंड, ये हमारी घर की बैठाई हुई दही है। और किशमिश 1 चम्मच पेस्ट है। अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा सब सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पर चूल्हा जल चुका है। अब हम लोग पहले भिंडी मसाला बना लेंगे। हमारा कढ़ाई जो है गरम हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी मसाला के लिए 1.5 चम्मच तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल का। अब तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो तेल है गरम हो चुका है। अब इसमें हम भिंडी डालेंगे।
ऐड करेंगे जिसमें कि भिंडी अच्छे से पक चुके फ्रेंड्स, हम अब भिंडी को ढक देंगे जिससे इसका पानी निकल जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ जो भिंडी है वो फ्राई हो चुका है। हमको यहाँ पर हल्का ही फ्राई करना है, पूरी तरीके से फ्राई नहीं करना है। अब हमको इन सबको उठा लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर भिंडी मसाला कसने के लिए, भुनने के लिए हम यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो हम यहाँ पर सूखी मिर्च देंगे और अखा जीरा डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से लाल होने देंगे। तो फ्रेंड, हमारा जीरा यहाँ पर लाल हो चुका है। अब हम यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। फ्रेंड, हमारा प्याज यहाँ पर लाल हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये दो टमाटर है, इसमें डाल देंगे। अब जिसमें कि टमाटर अच्छे से गल जाए, मुझे इसमें थोड़ा सा ही नमक डाल देना है, जिसमें कि टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटर गलने के बाद इसको कोट कर इसको ढक। तो हमारा फ्रेंड, जिसमें कि टमाटर गल जाए जल्दी से, तो इसमें हम लोग ढक्कन से ढक देंगे। फ्रेंड, जब तक कि हमारे टमाटर गल रहा है, तब तक हम लोग प्याज का यहाँ पर हम लोग पाउडर मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम लोग छोटे चम्मच का 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच ऐड कर लेंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पर टमाटर गल चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो पहले ही बता चुके हैं इसमें हमने क्या क्या मसाला ऐड किया है। अब हम इस मसाला को डालकर अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा भिंडी मसाला जो है अच्छी तरीके से भुना हो चुका है और देखिए तेल भी छोड़ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ भिंडी। अब इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे। तो फ्रेंड, हमारा भिंडी मसाला यहाँ पर तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पानी। इमली को छान कर उसका पानी हमने यहाँ पर निकाल लिया था। इससे भिंडी का जो स्वाद है बहुत बढ़िया आता है। तो अब इमली का पानी इसमें डालकर हमारा भिंडी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, मतलब तैयार है भिंडी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सुखा लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे चीनी। अब हम इसमें से थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे जिसमें इसका बैलेंस बराबर आ जाए। हमारा यहाँ पर भिंडी मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इधर हमारा जो फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखा था वो हमारा 20 मिनट के लिए मैरिनेट हो चुका है। अब हम चूल्हा में कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, उसमें हम 4 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल किया है और ये तेल भी शायद गर्म हो चुका है। तो देखिए, हम तेल में चॉप किया हुआ एक प्याज डालेंगे। तो देखिए, इधर प्याज हमारा जो है वो ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको उठा लेंगे। तो हम प्याज उठा चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अखा जीरा और 1 तेजपत्ता। हमारा जीरा और तेजपत्ता है जो वो लाल हो चुका है। अब हमें इस मैरिनेट हुआ मछली को इसमें डाल देंगे।
सब इसमें डाल चुके हैं। अब इसको ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढक दिया है मैंने, इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मछली है वो 5 मिनट के लिए पक चुका है। अब हम इसमें हाफ नारियल लिया था उसका हम जूस निकाले हैं, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। आपकी महक तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है, टेस्ट तो मतलब लाजवाब दिख रहा है ना। हाँ। तो टेस्ट करके बताइएगा। मछली में तो नारियल का दूध हम ऐड कर चुके हैं, अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो हम जो मछली में नारियल का दूध ऐड करिए थे वो हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसको इसमें एक प्याज जो लाल करके उठाए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे सजावट के लिए। और 4 हरी मिर्च और 2 चम्मच घी। तो देखिए यहाँ पूरी तरीके से हमारा डिश तैयार हो चुका है, अब हम इसको ढक के रख देते हैं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो फ्रेंड अब सर्व करने की तैयारी करते हैं। अब हमारा भिंडी मसाला भी देख लिए हमने, यहाँ पर सर्व के लिए तैयार कर चुके हैं। अब चलते हैं अपना खाना और खिलाना का काम करते हैं। पास खाना कंप्लीट करो अपना, उसको छोड़ दो, मुझको जानो नहीं। अच्छा भाभी मछली सर्व करिए ना। लो बेटा खाओ, चलो बेटा टेस्ट करो और बताओ, फ्रेंड को बताओ कैसा लगा। कैसा लगा? टेस्ट करो। अभी खाई है वो? बहुत ज्यादा बिल्कुल है। आप मैं देखती बेटा टेस्ट करो और बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम शेख मोइन। जोर से बताओ। मेरा नाम शेख मोइन हुसैन है। खाना खाओ। टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट तो बाकी मछली का बहुत अच्छा। मैं पहले मछली से ट्राई करूंगी, ठीक है। दारुण होयेछे, भिंडी मसाला खाऊंगी। तो बंधुरा बांगालीदेर स्पेशल माछ भात। तो फ्रेंड मछली तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, और जहाँ रही भिंडी मसाले की बात, खुद की तारीफ खुद से क्या बोलूँ, बस यही कहूँगी आप लोग ट्राई करिए और टेस्ट करिए, और सच में आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था बाहर खाने का, तो बारिश की वजह से हम लोग को अंदर खाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड हमारी रेसिपी कैसे लगे कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके दोस्तों तक अपना शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो हर किसी के पास पहुँचे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब हम लोग चाहते हैं कि हमारी रेसिपी आप तक
पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।